ना फैज के ऊपर और निखत के ऊपर प्रैंक करेंगे कि मुफासा देखते रहली भाई कितना रो रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा इसको, मतलब मैं ड्रॉअर में छुपा के रखूंगी मुफासा को। बता भैया तुम्हारी डेकोरेशन थोड़ी सी इसमें निखत की मक्खी बनाई है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप्स आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। अभी व्लॉग बना रही और ये स्कूल से आ गया और आज फाइन बहुत सैड खबर है, हमने मुफासा को भेज दिया। आज उसने वो हरकत की है ना आज हमारे साथ। अच्छा, नहीं ठीक है ना, पापा क्यों बोलते फिर उसके लिए वो ले लिया। पापा क्या बोल रहे हैं? पापा को कुछ पता भी? पापा के सामने ताकि आप रो ना, इसी वजह से पापा ने बोला ये भेजा स्कूल से आने के। हाँ, और आज सुबह सुबह पता है मुफासा ने क्या किया? आज मंडे था, निखत का आज इंस्पेक्शन था स्कूल में, उसकी सारी नोटबुक सारी बुक्स वगैरह सब कुछ चेक होना था प्रॉपर यूनिफॉर्म में सब कुछ। निखत ने क्या करा, अपने शूज़ ना मतलब क्या कहते हैं पॉलिश करके ना सीढ़ियों पर रखे और मुफासा ने जाके उन जूतों के अपने शूज़ उसके शूज़ के अंदर ना सू कर दिया। जब निखत पहन रही तो उसको गीला गीला लगा गीला गीला। आज मुफासा ने जो करा इसी वजह से मैं उसे अफसोस कि उसे भेजना पड़ा। मन तो हमारा नहीं लग रहा लेकिन बहुत ज़्यादा और क्या कहते हैं प्रैंक, फैज के ऊपर प्रैंक कर रहे हैं। तो अभी ना फैज के ऊपर और निखत के ऊपर प्रैंक करेंगे कि हमने ना मुफासा को भेज दिया है। भेज सो रहा है, दिखाती हूँ आपको। का ये सोता है फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के ऊपर सोता है। फैज गया उसे ढूंढने के लिए, भेज दिया हर चीज़ में, मतलब मजाक चलेगा तो इसको तो पता चल गया, इसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि भेज दिया हर चीज़ में मजाक लग रही है। होना छाड़ा, अरे भेज दिया उसको। सोचा मैंने छुपा रखा उसको, मैं कहाँ छुपाऊंगी बता, कि उसको ढूंढने में लगा हुआ है। नहीं है, भेज दिया उसको आज हमने। देखिए सच बता दिया, मोहित के हाथ भेज दिया। हाँ, कालू भैया के भाई के साथ। कालू भैया के पास, कालू भैया के भाई के साथ इधर। वैसे भी तो हम लोग घूमने जाएंगे तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? अरे नहीं है, भेज दिया। यकीन ही नहीं हो रहा इसको, मतलब मैं ड्रॉयर में छुपा के रखूंगी मुफासा को। ड्रॉयर में छुपाने वाली जगह है, इसीलिए पापा ने भेजा ताकि आप रो ना। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा है और उसको ये नहीं पता कि मुफासा यहाँ फ्रिज के ऊपर सोया हुआ है। उसको अभी तक नहीं पता फैज को कि वहाँ पे वो सो रहा है। तो चलो देखते जब निखत आती है इसका रिएक्शन क्या रहेगा। ढूंढने गया हुआ है और जल्दी से मैं ये काम कर लूँ। देखो अपनी बिल्ली के लिए तक कौन रोता है? मत रो, मैं आ जाऊँगा 5 तारीख के बाद। क्या चाहिए इसको? अपना मुफासा चाहिए। आ तो शाम को दिला के लाऊंगी, चल चुपो। आप और मैं चलेंगे लेने। चलो मुफासा आज है, अभी लाऊं? चल मैं फोन कर दूंगी, दे जाएगा वो। मुफासा देख तेरे लिए भाई कितना रो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, फैज तो चुप ही नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है रोए जा। अभी देखते हैं निखत का रिएक्शन कैसा होगा, वो भी आने वाले। टाइम देखो 2:20 हो चुके हैं, वो भी आने वाले, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। कराते हैं खड़ा हो जा, ले आएंगे इसको। मुफासा को भेज दिया, कैसे ही रहते हैं। मुफासा को भेज दिया, जब से रोए जा रहे हैं। मत रो भैया, मत रो। मैं कहाँ छुपा हुआ था भैया? इसको लगा कि मेरे जो जूते हैं। कैसा लगा प्रैंक?
टैंक अच्छा गंदा लगा, भेज दो उसे सच में। भैया की शायद प्लेन तो लगा मेरे को रेके मेरा फ्रेंड्स इवनिंग हो चुकी है, फेस्ट हो रहा है और मम्मा ने सोचा कि कुछ बना लेते हैं, मतलब नमक पारे कुछ शक्कर पारे वगैरह वगैरह, क्योंकि घर पे कुछ था भी नहीं और इवनिंग में हम पीते हैं चाय और उसके साथ भी कुछ था नहीं खाने के लिए, मम्मा बनाएंगे भी नमक पारे। पूछते हैं मम्मा क्या बना रही है अभी, नमक पारे बना रही है शक्कर पारे बना रही है? पहले बनाऊंगी नमक पारे फिर उसके बाद बनाएंगे शक्कर पारे। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले लिया हम लोगों ने मैदा, फिर उसके अंदर हम लोगों ने मिलाया सूजी थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया इसके अंदर कसूरी मेथी, फिर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया अजवाइन, फिर उसके बाद नमक मिलाया, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स किया, फिर फिर हम लोगों ने इसमें लिया थोड़ा सा रिफाइंड चावल, फिर उसको अच्छे से मैश किया, मैश करने के बाद वो आपके फ़ोन का पकौड़ा बना दूँ, वो शादी में वो फोटोग्राफर्स नहीं होते वैसे जो जैसे घुस घुस के खाने में घुसते हैं, मैम फोटो खिंचवाओ फोटो खिंचवाओ। अब हम लोगों ने ऐड किया इसमें हल्का सा गर्म पानी, फिर उसके साथ हमने अच्छे से इसको गूँधा, गूँधने के बाद इसको हमने 5 मिनट रेस्ट पर रख दिया। तो इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है वो भी मिक्स करना हल्का सा, बिल्कुल आटा गूँध के हो चुका है रेडी। रुक जाओ 2 मिनट अभी मैं गुथूंगी, हटो हटो अरे मैंने क्लीन भी कर लिया, हटो इतना क्लीन भी नहीं करते, टूट जाएगा नहीं टूटेगा, अब उसको ऐसे करो और करो कितना पतला करोगी, मैं कैसे आ रही थी थेंगे 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 ऐसे करते, अच्छा जब मैं काट दूँगा काटना भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ बोलो, हाँ इतना छोटा कौन बनाता है, मैं नमक पारे बना रही हूँ क्या बना रही हो, बहुत ज्यादा डाल दिया आपने सोडा, पेट में जाकर ब्लास्ट हो जाता मेरे, अच्छा ऐसे बनाने होते हैं अभी हो गए हमारे नमक पारे, थोड़ी सी इसमें निखतने भी मट्ठी बनाई है जो गोल गोले निखतने बनाई है, खा के दिखाओ आप को घुसोगे क्या, कैसा? तो हमारे बनके हो चुके हैं तैयार, देखो सूजी दिखाई दे रही है ना बहुत टेस्टी है। चलो यहाँ पे इन दोनों की चाय भी ले आई, अब इसके अंदर भर के रख देते हैं हम लोग, खड़े भी फिलहाल हम चाय पीते हैं, उसके बाद ये दोनों चले जाएंगे ट्यूशन 7 o'clock। ये मैंने बनाई थी मट्ठी, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं मुझे, वो आटे के वो टाइट टाइट से जो होते हैं उनमें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो हम बनाए, मैंने तो खाऊंगी तो मैं ही ना पहले बाहर के अकॉर्डिंग। गरम गरम चाय के साथ नमक पारे मिल जाए, क्या लेके हम उपासा के लिए, ऐसे खा लेगा दिखाओ एक दो खा के दिखाते खिला के, तभी हम लेके आए इसके लिए, खाता है नहीं खाता ले 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 नहीं खाता ना उसके मुंह पे।
अभी इसके पापा जब आ जाएंगे तो हम लोग करेंगे थोड़ी सी पापा को देंगे गुड न्यूज और एक देंगे बैड न्यूज। अब वो गुड न्यूज और बैड न्यूज क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब पापा आ जाएंगे। और पापा आएंगे आधे घंटे बाद, आधे घंटे क्या 15-20 मिनट बाद ही आ जाएंगे। पागल हो गया, पागल हो गया। बेचारे के कान के पर्दे पड़े गए, वो फांसा सदमे में है, डर के हमारे अंदर आके बैठ गया। अब ये बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, आ जाओ आप अंदर ही रहना। तभी हम लोग भी चल रहे दिवाली डेकोरेशन, हमारी डेकोरेशन अभी चल रही है। 12 बज गए, प्योर निखत सो चुकी है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसको 6 o'clock उठना भी है। और फैज अब पापा के साथ करा रहा है डेकोरेशन और मैं बाहर। अभी मुझे करनी निखत की स्कूल की नोटबुक पे कवर चढ़ाना है। तो यहाँ पे भी काफ़ी जगहों पर ऐसा है, लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे भी। हमने भी आज ही स्टार्ट कर ली क्योंकि कल है धनतेरस। तो फ्रेंड्स फाइनली डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट और बाकी ये लोग कर रहे हैं अभी भी। तो बस मैंने सोचा कि रात के बज रहे हैं 12 और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ क्योंकि निखत भी सो गई है और निखत के भी नोटबुक पे ना कल उसकी चेकिंग है नोटबुक और उसने कवर नहीं चढ़ाया है तो एक नोटबुक पे। तो स्पेशली के सोई है कि मेरी जो नोटबुक है उस पर कवर चढ़ा देना। और ये अभी तक सोया नहीं है मंकी। ये डेकोरेशन करवा रहा है, बाहर लाइटें वगैरह लगवा रहा है। तो अब जब ये लोग करते रहते हैं तो इतने में निखत की नोटबुक पे कवर चढ़ा देती हूँ। 12 ऑलमोस्ट बज चुके हैं और सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock हम लोगों को उठना दिया। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक ले बाय बाय। और आगे तो दिवाली भी है, धनतेरस भी है, उसके बाद बाहर टूर जाने का भी है, देखते हैं जैसा भी रहेगा, जैसे भी होगा ब्लॉग आते रहेंगे।